Good morning. आज भाई बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है ना उठा, आज सारे काम जो है ऐसे हो जाएंगे ऐसे। Let's go. लो जी, shower done. Woke up really fresh this morning. Routine finally बन रही है. Let's go. ले जी, day 3 update. This is how we are looking. कोई ऐसी कोई कमाल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी भाई डे थ्री में, बट जस्ट गिव यू गाइज अ डेली अपडेट. ये है जी बॉडी एंड अब हम चेक करेंगे अपना वेट. मैंने कल आपने बताया था कि आज मैं अपना वेट भी चेक करूंगा ताकि आपको पता हो कि चैलेंज के स्टार्ट में क्या वेट था. वैसे मुझे डे वन पे कर लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, डे थ्री पे चेक करते हैं अपना वेट. फिर हम डे 75 पे दोबारा चेक करेंगे या बीच में मे बी एक मिड चैलेंज वेट चेक भी कर लो जी. स्टार्ट ऑफ द चैलेंज वेट इज अराउंड 75 kgs. Time for some breakfast before we go in to work out. And पिछले दो दिन की तरह वही मेरा तीन अंडों वाला ऑमलेट. आज मैं सोच रहा हूँ कि साथ हर खाने की प्रोटीन आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको पता हो कि पूरे दिन में टोटल प्रोटीन कितनी दे रहा हूँ इस चैलेंज में. सो जो रूटीन है वो यही मैं फॉलो कर रहा हूँ डाइट की, कि हाई प्रोटीन हो टूवर्ड्स लो कार्ब हो एंड लो फैट हो. सो स्टार्ट होती है दिन की प्रोटीन तीन अंडों से, जिसमें रफली कोई 15 grams के करीब प्रोटीन होगी. एंड उसके बाद जैसे जैसे फिर दिन में प्रोटीन हम कंज्यूम करते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा, और डे एंड में उसको हम टोटल कर लेंगे. एक और इंटरेस्टिंग चीज़, सो डे के स्टार्ट में हमने वजन चेक किया 75 था, अब देखते हैं डे एंड में वेट कितना हो जाता है. ब्लैक कॉफ़ी, वन शॉट ऑफ अमेरिकानो. ये है जी आज का हमारा प्री वर्कआउट. आज के वर्कआउट में हमारा साथ देने आए हैं द वन एंड ओनली अब्दुल्ला जतोई. आप ये क्या कर रहे हो? ये सर 5 रुपए का और फिर से. तो अभी मिड वर्कआउट स्क्वाट सेशन चल रहा है एंड थोड़ा आज लो एनर्जी फील कर रहा था. आज वो मैं वर्कआउट के बीच में जो है वो कंज्यूम कर. एंड बताने का मकसद ये है कि इसको आप वर्कआउट के बाद, वर्कआउट से पहले और बिटवीन वर्कआउट भी ले सकते हैं. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग टुडे. इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं. वर्कआउट के बाद जो है अब कुछ काम भी हमने करना है. जैक मैन बहुत जरूरी है काम करना है. इमाद को 75 डेज से मोटिवेट रखना मेरा काम है इसको चलाना. यार किस पते लाते हैं. बहरहाल जी ये मेरी टीम है. ज़क़वान इज द मैन बिहाइंड ऑल द मैजिक दैट इज हैपनिंग. सो इस वक्त स्टूडियो में है, कुछ मजीद शूट चल रहे हैं. सो अपडेट ये है कि काम चल रहा है इस वक्त एंड उसके बाद बैक टू सम मोर वर्क एंड प्रॉब्ली उसके बाद लंच टाइम हो जाएगा तो आपको अपडेट करते हैं. वर्कआउट ख़त्म, दोनों वर्कआउट हो चुके हैं. जो फर्स्ट वर्कआउट था उसके अंदर स्क्वाट्स थे आज एंड साथ में ओलंपिक लिफ्ट्स की प्रैक्टिस थी, ओवरहेड्स की प्रैक्टिस थी लिफ्ट्स की. सो वेट लिफ्टिंग हुई है पहले सेशन में. उसके बाद मैंने कार्डियो सेशन किया एंड जो सेकंड वर्कआउट था आज के दिन का, और इस वक्त तक बस हो गई सारी एनर्जी जो है ना निकल गई और अभी पूरे दिन के काम जो हैं वो बाकी हैं जी. हमारा लंच आज का रेडी है, काम के साथ साथ जो है वो लंच चल रहा है. ग्रिल्ड चिकन रैप एंड आप देख सकते हैं मज़े मज़े के डिलीशियस मैरिनेटेड चिकन अंदर इसके डला हुआ है. ये पिकल्स हैं, ऑलिव्स हैं, वेरी गुड. फाइनली स्नैक टाइम एंड वन ऑफ माई फेवरेट टाइम्स इज वेल बिकॉज समथिंग अदर देन एग्स चिकन एंड मीट आई एंजॉय फ्रूट्स स्पेशली जो मैंगो इसके अंदर है बिकॉज आई लव मैंगोज.
अभी तो ये स्नैक का, फ्रूट्स का, इस फ्रूट चाट का बड़ा मजा आ रहा है, सो मैं इसको करने लगा हूँ एंजॉय. स्पेशली पूरे दिन के बाद, पूरी थकन, पूरे दिन की थकन के बाद बड़ा ही रिफ्रेशिंग फील होता है. वर्कआउट के साथ साथ, खाने के साथ साथ ये मत भूलें पानी पीना बहुत ज़रूरी है पूरे दिन में. पर अक्सर ज़्यादा पानी पीने से ये इशू होता है कि पेट भर जाता है तो बाकी चीज़ें नहीं खाई जाती. प्रोटीन सप्लीमेंट, माई लास्ट मील फॉर द डे. आई सीरियसली भाई मैं तंग आ गई हूँ, मैं आके गए हैं, मेरी बस हो गई है. और यार कल को यदि रेसिपी चेंज करनी पड़ेगी भाई, डे इन डे आउट. ये भाई ये सबसे मुश्किल है ये तीन एंड में. याल्ला तो तकरीबन सारे काम हो चुके आज के, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऑन स्केड्यूल था. आज मैं जल्दी उठा, मैंने टाइमली सब कुछ मैनेज कर लिया फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, जो कुछ आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ. टाइम भी घर पहुँचा, टाइमली सब कुछ, टाइमली खाना खा लिया, मज़ीद टाइम भी बच गया है रात में मेरे लिए कुछ मज़ीद काम करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए. सो ऑल इन ऑल डे 3 वॉज गुड, बेटर देन डे 2. I think मज़ीद मुझे मोटिवेशन मिली है दैट आई कैन कीप मूविंग ऑन. एंड साथ ही साथ हमने जो है अपना वेट चेक किया था सुबह में, तो हमने ये चेक करने के पूरे दिन के बाद एंड में हमारा वेट बढ़ा है, कम हुआ है या वहीं पर आया. सो आई एम वेरी क्यूरियस, लेट्स सी. लो जी वेट हमारा वहीं का वहीं है, 75 का 75 ही है. दैट इज ओके. इन फैक्ट मुझे लग रहा है स्लाइटली थोड़ा सा कम हुआ हुआ, सो दैट्स अ सरप्राइज. भाई बैठा फ्रिज देख रहा हूँ जिसमें मेरे सोडा कैंस, चॉकलेट होते थे एक टाइम पे, अभी आज उनके साथ प्रोटीन शेक रखा हुआ है ठंडा होने के लिए. अभी मुझे ये नहीं पता कि क्या डाइट ज़ीरो पीऊँगा, ये कोक ज़ीरो पीऊँगा, स्प्राइट ज़ीरो पीऊँगा या सेवन अप पी लूँगा, तो चैलेंज टूट तो नहीं जाएगा. इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके चेक करना पड़ेगा, अभी कोई रिस्क नहीं लेने का मेरे को कि ये चैलेंज बड़ी मुश्किल से मैं डे 3 के एंड में पहुँचा हूँ और ये रीस्टार्ट हो जाए. फिलहाल तरसी हुई नज़रों से देख रहा हूँ प्रोटीन शेक ठंडा होने का वेट कर रहा हूँ. सो बहरहाल प्रोटीन शेक पियेंगे और उसके बाद बस टाइम हो जाएगा सोने का. सो मिलते हैं कल आपको डे 4 पे, और इसी जज्बे के साथ, बल्कि इससे मज़ीद बेहतर जज्बे के साथ, और देखते हैं कल क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने आते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, सी यू गाइस टुमारो.